से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन करें कि इस लोकसभा चुनावी अभियान का शंखनाद मां शाकुंभरी देवी की इस पावन भूमि में स्थित इस ग्राउंड पर और इससे पूर्व मां शाकुंभरी का आशीर्वाद लेकर हमारे बीच में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आप सब की ओर से आदरणीय योगी जी का करता हूं। और जब हम मैया की प्रतिमा को देख रहे थे तो वास्तव में यूं लग रहा था, जब वहां पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, वास्तव में यूं लग रहा था कि जैसे साक्षात देवी माँ वहीं पर प्रकट होकर आदरणीय योगी जी को आशीर्वाद दे रही हो कि जाओ पूरी 80 की 80 सीटें तुम्हारी झोली में देती हूं। और वास्तव में आज जिस प्रकार का वातावरण पिछले 2 वर्षों में आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ है, वो उत्तर प्रदेश जिसे उल्टा प्रदेश कुछ लोग कहते थे और बीमारू प्रदेशों की गिनती में जिसको गिना जाता था, आज हमारे भाई सुरेश राणा जी ने बताया किस प्रकार से ये विकास का चक्र जो 2014 में केंद्र से प्रारंभ हुआ था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन कहीं ना कहीं आकर वो, क्योंकि इससे पूर्व अखिलेश भैया बैठे थे भाई लखनऊ में और जो कुछ भी यहां आना होता था वो उसे लखनऊ में रोक लेते थे, लेकिन ये योगी जी के आने के बाद केंद्र और प्रदेश ने मिलकर जिस प्रकार से सहारनपुर का और पूरे प्रदेश का विकास कर, प्रदेश की धरती पर जिसने उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की सेवा करने का संकल्प लिया हो, ऐसा उत्तर प्रदेश का एक तपस्वी संत आज आपके जनपद की नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे उत्तर भारत की अधिष्ठात्री देवी, जिस देवी का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, जिस देवी का वर्णन दुर्गा सप्तशती के अंदर मिलता है, उत्तर प्रदेश की धरती पर जिसने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया हो, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आप सबके आशीर्वाद से इस समय माता के मंदिर में उनकी गोद में बैठकर अपने प्रदेश की जनता के लिए उनका आशीर्वाद ले। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन के अंदर एबीपी न्यूज के एंकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं कि सपा और बसपा का गठबंधन देवबंद की धरती से अपने चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, आप अपना चुनावी शंखनाद विजय संकल्प सभा की पहली सभा कहां करने वाले हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक साधारण मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पर गद्दी पर बैठा हुआ देवभूमि के अंदर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हो, देवभूमि के अंदर उत्तराखंड हमारी देवभूमि करेगा, तो यहां बैठा हुआ जन समुदाय इस उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा जहां से आज ये चुनावी शंखनाद हो रहा है, इस लोकसभा के 18 लाख मतदाता उन वंशवाद को चुनौती देने वालों को जवाब देने के लिए तैयार बैठे। मित्र बहुत लंबी चौड़ी बात में रखने वाला नहीं हो, हमारे सम्मानित क्षेत्रीय क्षेत्र के प्रभारी जी, हमारे सांसद जी, तमाम लोग, आदरणीय मंत्री धन सिंह सैनी जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बहुत एक विषय की ओर मेरा ध्यान जाता है, मुझे याद है किसी सहारनपुर में एक सिपाही की गोलियों से खून करके निर्मम हत्या कर दी गई थी, आपको याद है कि नहीं है? यही हत्या कर दी गई थी और खुलेआम जिस प्रकार गुंडागर्दी का माहौल था, चाहे चिल्काना हो, चाहे सरसावा हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे केरला हो, चाहे कांगला हो, मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है, आज किसी माई के लाल की औकात नहीं है तो इस प्रकार की हरकत करने का साहस कर ले। मित्रों आज किसी की औकात नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी कि नहीं होती थी? बोलो होती थी कि नहीं होती थी? हत्या पर होते थे कि नहीं होते थे? अब किसी की हिम्मत है क्या? अब किसी की हिम्मत है क्या? मित्र अखबारों में समाचार छपता था किसान का अपहरण हुआ, और किसान तो छोड़ो, छोटा बुकी तक का अपहरण होता था, व्यापारी का अपहरण होता था,